यार काफी दिन हो गए, हमारा रैबिट हाउस ना वहीं का वहीं है। मैं रोज कहता हूँ आज कंप्लीट करते हैं, कल कंप्लीट करते हैं, भाई सुबह सवेरे उठते साथ मैं आया हूँ रैबिट हाउस के लिए सामान लेने। हम क्या क्या लेने हैं? पहले तो ये यार ये मैट लेना है ना, घास वाला रैबिट हाउस के लिए। ये वैसे ओरिजिनल घास लग रहा है, चेक करो ना। ओरिजिनल है यार फरीद, इसके ऊपर हाँ देख लेना, रैबिट खा ना जाए, इसको खराब ना कर दे। नहीं 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 करते यार, नहीं करते, एंजॉय करेंगे, खेलेंगे इसके ऊपर। हमने ये पसंद किया है, एक ये वाला भी है, काफी सारी क्वालिटीज है। तो यार ये वाला लेते हैं यार, ये ज्यादा सॉफ्ट है पर यार मजा आएगा। मामा आपने थोड़ी सुना जो मजा आएगा यार, मैं भी लेटूंगा ना रैबिट के साथ, हो दोनों एंजॉय करेंगे। चलो ठीक है यार, आप बोलते हो तो ये वाला ले लेते हैं। ओ अभी दोस्तों आप इसको काटने वाले हैं और इसको लेते हैं। ओ ये क्या कर रहे हो? एंजॉय तो करो यार। मामू ये फॉर्म नहीं है भाई। अच्छा हाँ खड़े हो जाओ। तो फाइनली यार हमने अपने लिए ग्रीन कारपेट ले लिया जो रैबिट हाउस के ऊपर लगेगा। काफी बड़ा है यार, हमारा रैबिट हाउस भी बहुत बड़ा है ना। उतनी भी बहुत है यार वलीद, काम भी किया करो हर टाइम, खाने का पता। तो यार कुछ दिन पहले ना आपको पता है हम अपने रीच को अपने पास ले आए थे, वो मेरा ड्रीम पेट है यार, इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया उसके साथ और क्या क्या किया उसके साथ। आज मामू हम ना वापसी दे रहे हैं उसको। वापसी क्यों दे रहे हैं यार? बस मामू मैंने फैसला कर लिया यार, उसको हम नहीं रख सकते, वो ना इनलीगल चीज है। मुझे काफी लोगों के फोन आ रहे हैं, पुलिस वालों के भी, मैं आप पूरी बात आपको नहीं बता सकता ना, वो बोल रहे हैं भाई इसको ना आप नहीं रख सकते, आपके आपके ऊपर केस हो सकते हैं, तो इसी वजह से, नहीं तो और कोई मसला नहीं है यार, वो तो हमारा दोस्त भी बन गया था ना। जाने दो यार इसको यार, बस क्या करें, जाना तो पड़ेगा। अभी हम चलते हैं बिग जू, फिर वहां जाके उसे मिलते भी हैं, आखिरी आखिरी मुलाकात होगी यार। फिर राइड करवाओगे ना मुझे आज? हाँ राइड, आपको आखिरी राइड करवा। डांस किया तो बड़ा मजा आता, आज इसके ऊपर राइड करूंगा, ठीक है ना। हाँ यार मामू कब से बोले उसके ऊपर राइड करनी है। हमारे बिग जू के बाहर ना कुछ कैमल्स आए हुए हैं, दूध ले ले, चलो ले लेते हैं मामू, आ जाओ। बाजी कैसे दिया है? 150 सामने निकाल। ओ अभी यार हमारे सामने दूध निकालेंगे, हम बेर के लिए भी ले जाएंगे और मामू को भी पिलाएंगे। आप पीते हो यार? ठीक है अम्मा से पीते हैं। चलो आओ अम्मा निकाल दें। और वैसे बिगजू हमारा बहुत साथ है, हम दिल भर से ना इनको मिलवाते, लेकिन ये बोल रहे हम नहीं जाते उधर, आप यही जो लेना है दूध यहाँ ले लो। आप मामू का पेट फुल कर दो, इतना दे दो बस, सारे मुसारों का दे दो। ये यार बहुत प्यारा कलर है, बड़ा हल्का सा ब्लैक है और हल्का सा ब्राउन, ये डबल कलर का ऊंट है। एक तो बिग जू ले जाते यार इनको, ऊंट को हाँ, नहीं मामू रीछ खड़ा हुआ है ना भालू, हाँ, वो अग्रेसिव हो जाएगा इनको देख के, लड़ने लग जाएंगे। सिर्फ दूध ही ले चलते हैं बस, दूध लेके जाएंगे हाँ। बस आप ऐसा करते हैं यार, मामू को ना दूध पिलाते हैं, वो पीछे देखो निकल रहा है दूध। दूध तो पिलाओ यार, आगे आगे हो जाओ, कुछ नहीं कहते ऊपर हो जाओ। ये मैं रीच के लिए ले आया हूँ। अच्छा किया, अच्छा किया यार, सब खड़े होके देख रहे हैं। मजा आ गया यार वलीद, मजा आ गया। मामू मुंह तो साफ करो, लोग क्या बोलेंगे। हाँ यार हम कुछ नहीं कर, मैं घर जाके पीऊंगा, मुझे इतना पीने का शौक नहीं है भाई, इतनी सारा इशारा हमारा है, सबके लिए ले लिया, सुबह भी पिएगा। मामू कैसा टेस्ट था? मजा आ गया यार, तो शायद शायद मीठी, हाँ मीठी मीठी। चलो मैं भी पीऊंगा, ये हमने फ्रेश दूध निकलवा लिया। ओ ख्याल करना ख्याल करना, और ये कह रहे हैं हमारा दूध कहाँ लेके जा रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ नहीं कहते। अच्छा यार आप ऐसा करते हैं, इसको ना शॉपर में डालते हैं और फिर ले चलते हैं, ठीक है सुबह रीच को भी पिलाएंगे। हाँ हाँ तुझे उसकी बड़ी टेंशन है, सब यार आज चला जाएगा ना इसी वजह से। चलो जी ये कुछ और बर्तन नहीं था भाई, शॉपर में लेके जाना पड़ता, सुबह इसको भी ले चल। ओ अभी ना पी यार मजा आएगा ना। चलो चक चक थोड़ा सा, कैसा है? सारा जूठा हो गया। और यहाँ देखो यार सारी बकरियां खाने पीने में लगी हैं। सिम्बा दूध पियो के कैमल का आप? मैं तो कहता हूँ सिम्बा को ना यही पिला देते हैं, पियो पियो। ओ पी रहा है पी रहा है। अपना हिस्सा मैंने बकरियों को पिला दिया सारा। दोस्तों मैंने रीच के लिए ना ये सामान ले लिया है, फ्रूट है और दूध वगैरह। मैं वलीद भाई को कहता हूँ कि अभी भी टाइम है, ना भेजो ना भेजो। वलीद भाई यार रीच को नहीं भेजो यार, यार हम कुछ भी नहीं कर सकते सुभान, हमारे हाथ समझो बंधे हुए हैं, आपको पता पुलिस। छोड़ो यार वो और बातें, आप ऐसा करो ये खाना दो ना, हम रीच को खिलाते हैं। जो रीच भाई आ जाओ, आज आपका आखिरी दिन है, आ जाओ। ये सोया पड़ा था? हाँ जी ये सोया पड़ा था। ओहो नहीं उठाना था सुभान तूने? यार आखिरी दिन है ना, खेल तो ले इसे थोड़ा सा। हाँ ये भी है लास्ट दिन है, मामू को राइड भी कराते हैं ना इसके ऊपर। हाँ मामू है किधर? अच्छा इसकी आंखें खुल जाएंगी जब मैं इसको खाना दिखाऊंगा, ये देख क्या क्या ले आया। देखो अब तो आप सूंघ रहे हैं वलीद भाई, शॉपर से निकाल कर फिर दो इसे। अभी देते हैं रुक जा, पहले आगे ले आ जाओ। दोस्तों असल में ये बात है, रीच भी
हमें सुन सकता है, ये ना सिर्फ बोल नहीं सकता। इसको पता लग गया हम इसको भेजने वाले हैं वापसी, क्योंकि इसके साथ हमारी दोस्ती लग गई थी, हम इसके साथ हमारी अटैचमेंट हो गई थी, इसी वजह से ये भी सोच रहा मुझे ये वापसी कर रहे हैं, इसी वजह से मानूस लग रहा है ना सुभान। हाँ यार ना भेजो यार, मैं कुछ नहीं कर सकता अब, ये बात नहीं करनी। एप्पल का ना मैंने कचूमर निकाल दिया है, इसको ना ऐसे साबित नहीं दे सकते, इसके मुंह में भी फंस सकता है। अभी देखना मेरे पीछे पीछे आएगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो यार, ये लो ये लो, पूरा खा जाओ। खा गया ना, ये तो मामू की तरह खा जाता है पूरा पूरा। हाँ एक कतरा नहीं छोड़ता भाई। बेर के साथ हमें टाइम स्पेंड करने का इतना मजा आ रहा है ना मामू, ना लास्ट झप्पी डालने वाले हैं रीच को। यार मामू ना झपियाँ डाल रहे हैं, खिला रहे हैं उसको, वाह। यार जब से हमारा भालू आया है ना, दिलबर और डोली यहाँ मायूस होकर बैठे हैं। यार दिलबर, जब हमारा भालू चला जाएगा ना तो फिर आपके साथ खेलेंगे, मजे करेंगे। देखो यार डोली भी मायूस होकर खड़ी है। और मामू को राइड करने का बहुत शौक है, अभी हमारा बेर ना खाने में लगा, मामू आराम से बैठने वाले हैं। ओए यार क्या हो रहा है यार, मामू राइड कर रहे हो? जो मामू को हमने राइड करानी है ना, ये चल नहीं सकता, बस ये समझो राइड ही हो रही है। मजा कर, एंजॉय कर रहा हूं यार मैं तो। हाँ। आया मजा, आया मजा। हाँ। यार रीच ने ना मामू को ड्रा दिया है, असल में वो खेल रहा था और मामू गिर गया। यार पहले कम लग रहा हूँ यार मैं। मामू की पेंट देखो यार, चलो मामू अब ना करना काम ये। अब हम ना बेर के लिए ना दूध डालने वाले हैं इस बर्तन में और फिर उसको पिला देंगे। नहीं नहीं ये रीच का है। तो क्या हुआ यार, तो मुझे दे देना, मैं पीता हूं। यार ये रीच का है मामू। यार भूख लग जाती है यार, मैं भी तो रखा यार तू। मामू ने दो गिलास पिए हैं। तो भाई फाइनली हमने डांस भी कर लिया, काफी मजा आया यार रीच के साथ एंजॉय करने का। मामू आखिरी दफा अलविदा बोल दो, गाड़ी आने वाली है। बहुत दुख हुआ, तू जाएगा मुझे तेरी बहुत याद आएगी यार, मैं तुझे फोन भी करूंगा है, तू मेरे से बातें भी करेगा है। यार वली मेरे से वादा कर, इसको फिर भी बुलाएंगे यार हम। हाँ कोशिश करेंगे थोड़े दिनों बाद, जब इम्पॉसिबल हो जाए ना, अभी तो इम्पॉसिबल है, इसको एक मिनट भी रखना। सो बेयर ने तो अपना दूध फिनिश कर लिया, मजे से सारा पी लिया। पीछे देखो आप इनके काम, डोली और दिलबर भी इसी को देख रहे हैं। वलीद सारा कुछ उन्हीं को खिला रहा है, हमें क्यों नहीं खिला रहा भाई? तुम पूरा दिन तो खाते हो वैसे भी हैं? दिलबर? हाँ जी। दिलबर बोलता है तू? हाँ। क्या खा रहा है तू? भाई घास खा रहे हैं, घास। ओ भाई दिलबर की तो जबान लग गई। डोली तू भी बोलती है? ओ डोली भी बोलती है, ये तो मैंने पहली दफा देखा है। दिलबर अब घास खा के ना तू अंदर आ जाए कंट्रोल रूम में। नहीं भाई रीच बैठा है। वो कह रहा मैं रीच से डरता हूँ। दिलबर? हाँ जी। अच्छा यार मेरे पास टाइम नहीं है, कल बातें करेंगे ठीक है, जब मैं आऊंगा। ले आओ ले आओ ले आओ इधर, ले आओ इधर ले आओ। तो फाइनली गाड़ी आ चुकी है, जिस गाड़ी पर ना हमारा भालू जाना है। ये ना एक जंगली जानवर है, जिसको शहर के अंदर रखना, सिटी के अंदर रखना इम्पॉसिबल है, और अगर कुछ मसला हो गया ना हम भी साथ इसके साथ जाएंगे जेल में। चलो बस आप समझ आ गई? हाँ दो यार। हाँ दो, अब इतने दिन खेल लिया ना हमने इसे, बस बहुत है। चलो मारते भी साथ है। चलो अलविदा करो, अलविदा करो, गाड़ी के अंदर बैठ जा। इतना इतना प्यारा है, खुद ब खुद चलता है, ये देखो खुद चल के जा रहा है। हाँ आराम से चल गया। लास्ट टाइम ना अपने बेयर से मिल रहा हूँ, अब मेरा तो नहीं है, अब तो चला जाएगा, पता नहीं ये किसके पास जाएगा, बट जिसके पास भी जाए ना उसने इसका ख्याल रखना है। मामू देख रो रहे हैं, जल्दी करो यार हमने जाना, लेट हो रहे हैं यार। बस यार हम आखिरी दफा मिल रहे। मामू गाड़ी को छोड़ोगे तो आगे चलेंगे, जाने दो ना। मेरा दूध भी पी गया था कल यार ये। ये देखो ये वैसे एक पूरी गाड़ी में ना एक पूरा आ गया, इसे यहीं से मिनी जू ले चलते हैं। नहीं नहीं यार यार ना भेजो, बस इसका जाना लाजमी, आखिरी दफा हाथ लगा देता हूँ। चल गाड़ी वगैरह स्टार्ट हो चुकी है, मामू अभी पीछे रो रहे हैं। मामू मुझे छोड़ के ना जा यार, ना जा यार। मामू मामू बात तो सुनो, क्या हो गया है? मुझे पता है यार मैं नहीं रह सकता, जो एक दिन मेरे साथ कोई रह जाए मैं नहीं रह सकता यार, मैं नहीं रह सकता यार। मामू कुछ ज्यादा सैड हो गए हैं। अब गाड़ी को क्या कर, अंदर क्या देख रहे हो? इधर आ यार मैं तुझे दूध पिला यार, फीटर से पिला तो जो तुझे फीटर। आ जाओ मामू, आ जाओ यार, पकड़ सुभान पकड़, आ जाओ।
तो फाइनली हमारा रीच जा चुका है दोस्तों। भालू तो हमारा चला गया और बिग जू भी थोड़ा सूना सूना लग रहा है, देखो इसकी हालत ख़राब हुई पड़ी है। बिग जू को भी अभी जल्दी जल्दी बनाना है। और दूसरा आपको अभी मैं एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ भाई, हम अपना लाइन लेने वाले हैं परमानेंट अपना यार, वो रख सकते हैं, उसकी मैंने इजाज़त ले लिया, उसका लाइसेंस बना लिया है, सामान लाइन आने वाला है। हैं? हाँ। ना करो। हाँ जी, आप इसको काम करो ना, आप बांधो जो काम कर रहे थे अभी। यार डोली और दिलबर को ना वापसी हम इसके अपने घर में बांध रहे हैं कंट्रोल रूम में, क्योंकि रीच रह रहा था ना, ये बाहर होते थे। और जल्दी से आप लाइन का घर बनाना है, उसको लेके आना है। और सबसे अच्छी बात यह है आपके भाई को ना अपना एक लाइसेंस मिल गया लाइन रखने का, क्योंकि रीच भालू का लाइसेंस होता भी नहीं है, इसको नहीं रख सकते, इसी वजह से वापसी दी है। तो लाइसेंस अगर आ जाएगा, जैसे भी लाइसेंस आएगा ना, उसके बाद हम अपना लाइन लेके आ जाएंगे। इसी के साथ आज के लोग एंड करते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको बड़ी पसंद है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे कल, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।